गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर नाइनटीन सो एवरीवडी प्लीज ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड नाइन टेलिंग टाइम्स इन ओल्डन डेज पीपल यूज डिफरेंट डिवाइसेस टू टेल टाइम टेलिंग टाइम्स मतलब टाइम बताना या टाइम को देखना इन ओल्डन डेज पुराने ज़माने में पीपल यूज डिफरेंट डिवाइस लोग अलग अलग डिवाइसिस यूज़ करते थे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते थे टू टेल टाइम टाइम टेलिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था अलग अलग डिवाइसिस यूज़ किए जाते थे या अलग अलग तरीके की घड़ियाँ यूज़ की जाती थी किसके लिए टाइम बताने के लिए पीपल यूज अ सन डाइल अ सेंड क्लॉक एंड अ वाटर क्लॉक लोग क्या यूज़ करते थे एक सन डाइल सेंड क्लॉक और एक वाटर क्लॉक टुडे कोर्स वी टेल द टाइम बाय अ क्लॉक और आज के जमाने में हम टाइम किससे बताते हैं एक घड़ी को देख के बाय लुकिंग एट अ क्लॉक वी टेल टाइम दिस इज सन दिस वन इज सेंड क्लॉक एंड दिस इज वॉटर क्लॉक बेटा सन डायल में जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी वैसे वैसे उसके ऊपर जो शेडो होती थी वो भी चेंज होती रहती थी जैसे जैसे शेडो चेंज होती थी वैसे वैसे वो हिसाब लगाते थे कि अब कौन सा टाइम हो गया है और अब कौन सा टाइम हो गया जो उसके ऊपर डॉट्स दिए होते थे हर एक घंटे के बाद जैसे हमारी क्लॉक है उसी तरह से एक क्लाक होती थी और जिसके ऊपर एक सन डाइल दिया हुआ था जिसका पोजीशन उसकी शेडो से डिसाइड होती थी कि अब क्या टाइम हो गया सेंड क्लॉक में आपने देखा ऊपर एक चैम्बर होता है नीचे भी एक चैम्बर होता है जब पूरी पूरी मिट्टी ऊपर ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले में आ जाती है तो एक घंटा हो जाता है देन दे अगेन चेंज द साइड वो वापस से उस सनडाइल की साइड चेंज कर देते हैं सिमिलरली वाटर क्लॉक में भी ऐसे ही होता है वहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर वाले चैम्बर में बहुत सारी रिंग्स बनी हुई है हर घंटे के लिए एक रिंग होती है जैसे जैसे एक एक रिंग खाली होती जाती है वैसे वैसे पता चलता रहता है कि अब एक बज गया दो बज गया तीन बज गया चार बज गया सो दिस इज हाउ दे टेल टाइम बट टूडे वी टेल टाइम बाय लुकिंग एट अ क्लॉक हम कैसे टाइम बताते हैं अब हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स हैं जिसके अंदर हम सेल डालते हैं एंड वी टेल टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक नाउ नील हैज ब्रेकफास्ट एट एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग जब घड़ी पे आठ बजते हैं उस टाइम पर नील अपना क्या लेता है ब्रेकफास्ट लेता है एट नाइन ओ क्लॉक ही गोज टू स्कूल। नील एंड फ्रेंड्स हैव अ लंच ब्रेक एट ट्वेल्व ओ क्लॉक स्कूल में एट ट्वेल्व ओ क्लॉक दे हैव अ लंच ब्रेक नील हैज अ स्नैक एट थ्री ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून नील अपने स्नैक्स कब लेता है थ्री ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल ठीक है जब वो स्कूल से आ जाता है उसके बाद वो तीन बजे अपना स्नैक्स लेता है नील गोज टू प्ले एट फाइव ओ क्लॉक इन द इवनिंग और जब पाँच बज जाते हैं तब नील क्या करता है बाहर खेलने जाता है इन सब पिक्चर्स में हमने टाइम के लिए किसको देखा क्लॉक हमने किसको रेफर किया यहाँ पर क्लॉक को किया हमें टाइम कैसे पता चला इन सब सिचुएशंस में by looking at the clock. okay, now come to this box. did you know, before the invention of the clocks, invention मतलब इससे पहले जब तक हमने घड़ियाँ नहीं बनाई थी घड़ियों को इन्वेंट नहीं किया गया था पीपल प्लान their वर्क अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई पहले जमाने में जब घड़ियां नहीं बनी थी तब लोग क्या करते थे अपने काम को जैसे जैसे सन की पोजीशन होती थी उसके हिसाब से सेट कर लेते थे, थे कि जब सूरज जब सूरज आसमान में इस जगह पहुंचेगा तब तक हमें ये काम कर लेना है और जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ जाएगा तब हमें अपना सारा काम खत्म कर लेना है दे वेंट टू बेड वेन एवर इट बिकम्स डार्क और वो सोने कब चले जाते थे जब डार्क हो जाता था रात हो जाती थी तब वो सोने चले जाते थे मॉर्निंग आर रेफर टू एज एम जो मॉर्निंग के आवर्स होते हैं जो मॉर्निंग सुबह बारह बजे से पहले का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एम आफ्टरनून वी रेफर टू द टाइम एज पी एम और जो बारह बजे के बाद का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पी एम फॉर एग्जाम्पल नील हैज़ हिज़ ब्रेकफास्ट एट एम हमने ऊपर पढ़ा था नील अपना ब्रेकफास्ट सुबह एट ओ क्लाक लेता है तो दैट इज़ एट एम दैन ही हैज़ ए स्नैक्स एट थ्री पी एम यहाँ हमने बताया वो अपने स्नैक्स खाता है कितने बजे थ्री ओ क्लॉक तो बारह बजे के बाद तीन बजते हैं तो शाम को हम बोलते हैं थ्री पी एम वी डू नॉट यूज़ ए एम और पी एम फॉर ट्वेल्व नून एंड ट्वेल्व मिड नाइट जो सुबह के बारह बजते हैं तब हम पी एम नहीं यूज़ करते और ना ही ए एम यूज़ करते हैं यहाँ पर ऐसे ही जब रात को बारह बजते हैं तो ना ही तो हम वहाँ पे पीएम यूज करते हैं और ना ही ए एम सो दिस इज ऑल नाउ कम टू द लिटिल साइंटिस्ट देयर आर सिक्सटी ये सुई होती है इसमें आपने देखा होगा एक हैंड भी होता है जैसा आपने मैथ्स की क्लासेस में भी पढ़ा होगा आप तो जैसे जैसे वो पूरा एक राउंड लेती है तो यहाँ पर वन मिनट कंप्लीट हो जाता है ठीक है so, सो देर आर सिक्सटी सेकेंड्स इन वन मिनट और देर आर सिक्सटी मिनट्स इन आर जब ये बड़े वाली जो सुई है देखो एक छोटी है ये आरस ये की है और ये मिनट्स की है ठीक है जब ये मिनट्स वाली सुई सिक्सटी मिनट्स पूरे करती है तो क्या बन जाता है वन आर एक घंटा दिस इज हाउ वी टेल टाइम सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर in our next class we will do our book work so thank you beta and have a nice day take care